सोनभद्र में अनपरा थाना क्षेत्र में कुदरी गांव के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट जाने से पिकअप में सवार 20 मजदूर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अनपरा के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायलों में से 6 की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बताया जाता है कि यह सभी मजदूर अनपरा के ही ओड़ी बाजार से मजदूरी करके वापस घर लौट रहे थे, तभी चढ़ाई पर पिकअप अनियंत्रित होकर बैक होने लगी और पलट गई, जिससे दुर्घटना हो गई। कितने लोग सवार थे उसमें? बहुत अधिक। कितने? लगभग लगभग तो 30 से ऊपर। 30 से ऊपर। गाड़ी कैसे बैक हो गई? बोला कि ब्रेकर ने काम था, पीछे भगा लगा। और ड्राइवर फरार हो गया, कूद गया? ड्राइवर भाग गया नाला में। इसी गाड़ी में सवार थे आप? हाँ, भी थे। कितने लोग लगभग बैठे थे? अरे उसमें तो सर जरा तो नहीं, मगर 20-25 आदमी बैठे थे। 20-25 आदमी। और सीटा भी लोड था? हाँ, सीमेंट भी और सीटा भी। कैसे दुर्घटना हुई? वो चढ़ाई चढ़ने पाया सर, तो बैक हो गया। हाँ, और ड्राइवर ठीक ठाक है? चालक भाग ही गया हमें लगता। कितने लोग घायल हैं? घायल तो सर गिन नहीं पाया भाई। इधर तक ना, ये जगह कौन सा है जहाँ दुर्घटना हुई है? सर अभी जो पिकअप से दुर्घटना हुई उसमें कितने लोग थे जो आपके हॉस्पिटल में आए? उसमें जो है हमारे एम्बुलेंस से जो है आए हैं करीब 20 मरीज आए। जी सर। जिसमें जो है 6 लोग उसमें ज्यादा सीरियस थे, किसी का पैर में था फ्रैक्चर, किसी का जो है। तो उनको आपने कहाँ रेफर किया सर? हमने जो है जिला अस्पताल में रेफर किया है। और बाकी कंडीशन कैसी है सर? बाकी लोग की कंडीशन अभी स्थिर है, जो है स्थिर है और सही है अभी, बिल्कुल लोगों का इलाज चल भी रहा है। खबर जगत 24 न्यूज ब्यूरो सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।